नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्रश्न में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आपके सामने आया हूँ। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो सबसे ज़्यादा आप लोग वेट कर रहे थे जीआईसी के बाद और पिछले टीजीटी पीजीटी के बाद लगातार बच्चे हमसे पूछ रहे थे, सर कब आएगी वैकेंसी, कब चलेगा बैच। तो दोनों ही चीज़ें आपके सामने, दोनों ही बहुत अच्छी खुशखबरी में लेके आया हूँ। इससे पूर्व में रमन सर की वीडियो आपने बहुत लोगों ने देख लिया होगा, नहीं भी देखे होंगे तो देख लीजिए। टीजीटी की वैकेंसी, पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, लगभग 4100 प्लस पद हैं इस बार टीजीटी पीजीटी मिला के, कम नहीं होते हैं। और हालांकि लोग 15,000 बोल लेते हैं लेकिन इतना कम नहीं है, बहुत अच्छे पद हैं और इसकी संख्या घट बढ़ भी सकती है या दूसरी बार वैकेंसी फिर आने की संभावना है जहां तक पता चल रहा है। लेकिन अभी जो आपके सामने वैकेंसी है, अभी तक आप इंतजार कर रहे थे कि कब आए विज्ञप्ति और विज्ञप्ति आ गई है, तो सबसे ज़्यादा जो क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे तैयारी करें, तमाम ऐसी जानकारी कि इसमें कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। आप कोई भी जानकारी छोटी से बड़ी बिना संकोच के नीचे जो नंबर चल रहे हैं उस पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हो। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तमाम इन्फॉर्मेशन टीजीटी पीजीटी के लिए देते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अब टीजीटी पीजीटी का जब विज्ञप्ति आ गई है तो हम तैयारी कैसे करें। सबसे बड़ी बात, जब आप तैयारी करने स्टार्ट करते हो तो दो तीन चीज आपके दिमाग में आती है, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूँ। क्या क्वेश्चन होता है कि आखिर कौन सी कोचिंग से जुड़ा जाए कि हम अपनी तैयारी बहुत बेहतर कर पाए। क्या उस कोचिंग की जो मटेरियल है, जो बुक है, जो नोट्स है, जो फैकल्टी है ना, वो कैसे होंगे, ये एक क्वेश्चन होता है। क्या हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, हालांकि बड़ी परीक्षाओं में सेल्फ स्टडी का विकल्प बहुत कम रह जाता है, ये बात आप सभी जानते हो। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये देखते हो कि एक हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि परीक्षा के लिए टाइम कितना मिल रहा है, कितना ड्यूरेशन मिल रहा है, कितने कम समय में आपकी तैयारी पूर्ण होनी चाहिए। तैयारी के दरमियान ये चार चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो जितने भी चीज़ें हैं मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टीम परीक्षा प्लस इससे पूर्व में जीआईसी क्या है बैच चलाया था और सबसे सफल बैच जीआईसी, सफल बैचों में से एक जीआईसी था, सबसे सर्वाधिक सेलेक्शन देने वाला बैच जो है वो भी जीआईसी है, और सबसे ज़्यादा बच्चे उसमें खुश भी थे, ये बात आप जानते हो। जो बच्चे जुड़े थे उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, किंतु जो बच्चे नए होते हैं उन्हें हमारा कर्तव्य होता है कि चीजों को बताया जाए, शुरू से बहुत अच्छे समझाया जाए। तो पूर्व की ही भांति, जीआईसी की भांति, इस बार टीम परीक्षा प्लस टीजीटी पीजीटी का बैच लेके आई है। और टीम परीक्षा प्लस का एक जो सबसे बड़ा गुण है, मैं आपको बता दूं कि परीक्षा की तिथि घोषित होने से लेके और परीक्षा के अंतिम आपके सिलेक्शन तक आपके साथ रहती है। न्यूनतम शुल्क में सबसे जो सब पूरे प्रदेश में आप किसी भी कोचिंग का देखो, देखो टीजीटी पीजीटी का जो कोर्स है वो 4,000-5,000 से कम नहीं मिलेगा आपको, किंतु परीक्षा प्लस आपको न्यूनतम 1,000 से भी कम शुल्क में आपको। और अभी सैकड़ों बच्चे अभी दो दिन पहले 299-399 में जुड़े हैं ऑफर में, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अभी भी ऑफर चल रहा है उसमें जुड़े, मैं आपको फीस भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बैच के क्या गुण है वो मैं आपको बताऊंगा, कौन से टीचर आपको कौन सा विषय पढ़ाएंगे, उन टीचर की गुणवत्ता क्या है, वो कितने गंभीर है और कितने दृढ़ संकल्प है आपका सिलेक्शन कराने के लिए, आपका चयन कराने के लिए। इससे पूर्व में जो वैकेंसी आई थी उसमें कहीं ना कहीं पद ज्यादा थे, इस बार उससे पद कम है। लेकिन अगर आपके पास सही रणनीति, सही मटेरियल हो, सही नोट्स हो, सही अध्यापक हो, सही मार्गदर्शन आपको मिल जाए और सही रणनीति अगर आप बना लेते हो तो कम पोस्ट में भी आपको बहुत अच्छा सिलेक्शन हो जाता है। और आज ही आप अपने आप को यह बात बोलो कि आपको केवल एक पोस्ट चाहिए, एक पद चाहिए। अगर आपके पास 500 पद है तो 500 में से एक पद आपको लेना है, 499 तो अन्य के लिए होगा, लेकिन उसके लिए आपके लिए सामग्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि टीजीटी पीजीटी में ऐसा देखा जाए तो विषय में इस बार वैकेंसीज की बात किया जाए तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और एसएसटी में, टीजीटी की बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी है और ऐसे ही पीजीटी में भी सबसे ज्यादा वैकेंसी है। और इस बार टीजीटी पीजीटी मैथ्स का बैच लेके आ रहे हैं, मैं और आशीष सर इसमें पढ़ाएंगे। मैं अपने बारे में ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, बीटेक फिर एमटेक और उसके बाद कम से कम 6-7 साल का एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा मैं आपको बस वादा आज कर सकता हूं कि एक बार अगर आप गणित पढ़ोगे, आशीष सर से गणित पढ़ोगे तो यकीनन आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, इसका मैं आपको वादा कराता हूं। बाकी जो नोट्स है, जो कंटेंट है, परीक्षा प्लस अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, न्यूनतम शुल्क में उच्चतम गुणवत्ता हमेशा देता आया है और हम वो एक बार जरूर देंगे।
जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट, कोई भी क्लास हो कि वीडियो क्लास, एनिमेशन एवं इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से आपके चयन हेतु टीम परीक्षा प्लस के अनुभवी अध्यापक हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं और आगे भी प्रतिबद्ध रहेंगे। यही नहीं, जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है तो हम पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एनालिसिस लेके आते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपके अति संभावित हैं, किन प्रश्नों में बच्चों की सबसे ज्यादा गलती हो सकती है, किन प्रश्नों में बच्चों को गलत नहीं होना है, ये चीजें हैं। ऐसा आप देखा जाए तो टीजीटी इंग्लिश हनीफ सर है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत जबरदस्त टीचर है। अगर हम मृत्युंजय सर की बात करें तो ये ज्योग्राफी आपको टीजीटी पीजीटी पढ़ाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, 13 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अगर आप देखोगे तो जो लखनऊ में योगी जी के द्वारा जो कोचिंग यहाँ पे दी गई थी उसमें भी अगर देखा जाए तो मृत्युंजय सर ने यहाँ पे अध्यापन का कार्य किया हुआ है। इस समय मौजूदा समय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, 13 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपको भूगोल पढ़ाएंगे। खालिद आजमी सर आपको 3 साल से ज्यादा अगर टीजीटी पीजीटी में देखा जाए तो ये आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, और इरशाद सर आपको 4 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर टीजीटी पीजीटी के लिए इतिहास पढ़ाएंगे। कई बार मेंस लिख चुके, कई बार इंटरव्यू दे चुके पीसीएस के, ये दोनों धुरंधर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं। और आपके मृत्युंजय सर, जो इरशाद सर हैं और खालिद सर हैं और आपके अनुज सर, ये इस मिलके आपके एसएसटी का बैच संपन्न करवाएंगे। साइंस का बैच आपके अजय ओझा जी जो हैं ये इनके मार्गदर्शन में होगा, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इन्होंने नीट आईआईटी और बड़े बड़े कोचिंगों में, आकाश जैसे कोचिंगों में इन्होंने अपना जो योगदान दिया है उसके कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत जबरदस्त इनका भी अध्यापन शैली है, पढ़ोगे तो बहुत मजा आ जाएगा। रणनीति की बात हम कर लेते हैं, रणनीति एक परीक्षा प्लस की बहुत ही अच्छी रही है, मैं एक अलग से भी वीडियो पोस्ट करूंगा कि कैसे तैयारी करें, तमाम विषयों की भी रणनीति की वीडियो आएगी, तमाम चीजों की आएगी। लेकिन आपको मैं यहां पर बता दूं कि हाल ही में हुई परीक्षाओं को देखते हुए एक सटीक रणनीति से प्रत्येक विषय का बहुत जबरदस्त एनालिसिस के हिसाब के लेके हुए और कितने कम टाइम में कितना जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात है, जब परीक्षा में आप सफल होना चाहते हो तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है दोनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्या क्या विषय हम चला रहे हैं आपने देख लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं कि यूपी टीजीटी का जो बैच है वो प्राइस के लिए आप सभी पूछते रहते हो, बहुत सारे लोग तो प्राइस आपका बताते नहीं है, लेकिन मैं किसी संस्थान का यहां पे नाम नहीं लूंगा, बट परीक्षा प्लस का एक हमेशा से गुड़ रहा है, जो प्राइस है बहुत चैलेंजिंग होती है, जहां पे अन्य संस्थान 4,000-5,000 की फीस रखते हैं, 6,000 पीजीटी में रखते हैं, आप देखोगे तो 899 किसी भी विषय का आप लेना चाहोगे तो केवल 899 आपकी फीस होगी और पीजीटी में 1199 की फीस होगी। इसमें जो हम सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी वाले भी इन्हीं 4 विषयों में होंगे, साइंस वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलकर होंगे, मैथ्स का अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा और हिंदी का अलग होगा, इतने विषय हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी अगर आपके क्वेरीज होते हैं तो आप कमेंट में हमें बताइए कि सर हमें ये बैच चाहिए और हम आपके लिए वो बैच जरूर लेके आएंगे, न्यूनतम में लेके आएंगे। सारे के सारे जो आपके यहां पे क्या क्या हम उपलब्ध करवाएंगे, नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार सभी विषयों की वीडियो क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, और जब आपकी लाइव क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, इनके साथ की छूट जाती है, कोई ऐसी महिला है जो गृहिणी है, जो कहीं ना कहीं घर में बिजी रहती है, कोई जॉब करने वाले पुरुष हैं, तो वो अगर लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं, आपके ऐप में रिकॉर्डेड फॉर्म में लगी रहेगी और परीक्षा तक लगी रहेगी, आप वो वीडियो डाउनलोड कर सकते हो अपने ऐप में, जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, सारी सुविधाएं गई है। आप ऐप देखोगे तो मजा आ जाएगा। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित बुकलेट नोट्स दी जाएंगे, जो नोट्स होंगे वो एकदम अपडेटेड होंगे। नोट्स की बात करूं, आप तमाम पब्लिकेशन होते हैं, जैसे वैकेंसी आती है वो कुछ नहीं करते हैं। देखिए आप यहां पे कहीं ना कहीं टीजीटी और पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हो, तो स्नातक हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप जानते हो। और सच्चाई भी यही है, मैं खुद ही एक संस्थान हूं, लेकिन जो सच्चाई है उससे कोई ना छुपा है और ना ही मैं उससे छुपा सकता हूं। जब भी कोई पब्लिकेशन होती है, कोई वैकेंसी आती है, उनको इतना समय नहीं होता है। अभी आप समझो कि ये परीक्षा कब हो जानी है, 3 महीना आपके पास समय मिलेगा, 15-20 दिन एक्स्ट्रा और मिलेगा, अक्टूबर के पहले वीक में ये परीक्षा हो जानी है, 4 महीने में कोई किताब फिर से आपको अपडेट कंटेंट नहीं दे सकती है। वो क्या करेंगे, आपको कवर बदलेंगे और उसके बाद फिर आपको वही पुरानी चीजें बदल देंगे। नहीं विश्वास है तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप किताब लेके आओगे और पुराना एडिशन भी लेके आओ, एक अक्षर आपको नहीं बदला दिखेगा, समझ में आ जाओगे कि जो ये पब्लिकेशन है ये कहीं ना कहीं आजकल ये लोग धंधा बना रखे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जरूरी क्या है अभी, इसलिए मैं बोलता हूं, हमने इससे पूर्व के भी बैचेज में जितने भी आपके नोट्स होते हैं, जो भी होते हैं रिसेंटली, चाहे हमें कितना भी मेहनत पड़े, दिन रात यहाँ पे 2-2 बजे 3-3 बजे तक रात तक लग के पूरी जो कंटेंट की टीम है आपके लिए लेटेस्ट अपडेटेड। और एक बात, पुराने अगर मैं बात करूं तो पुराना ढर्रा आप छोड़ दीजिए,
पहले क्या होता था कि वही अध्यापक घिसी पिटी चीजें आज भी मैं बहुत सारे संस्थानों में देखता हूं, बोलते हैं कि 25 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन वो टीचर अपडेट है ही नहीं है, जो आज 10 साल पहले पढ़ा रहा था वही पढ़ा रहा है। कितनी चीजें चेंज हो जाती हैं, क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है। अभी आप पिछला टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देख लो, कितनी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बदले हैं, कितने ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पर कोई ध्यान ही नहीं होता है, बस उन्हें केवल क्या कराना होता है, कोर्स कंप्लीट कराना होता है। तो इन चीजों में आप अच्छे से समझ सकते हो कि कहां पे क्या आपके लिए सही है क्या सही नहीं है। मैं इतना आपको जरूर आश्वासन दूंगा, इतना जरूर बताऊंगा कि टीम परीक्षा प्लस एक बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ही जबरदस्त टीम है, बहुत ही युवा टीम और बहुत ही जोश से भरी टीम। सारी चीजें आप इसमें जितने भी फैकल्टीज हैं, आपको बीटेक एमटेक सारे बड़े कहीं ना कहीं पीएचडी होल्डर आपको ऐसे मिलेंगे और वो सभी लोग कहीं ना कहीं रिसर्च और डेवलपमेंट में कंटेंट में लगे रहते हैं और यही कारण होता है कि हमारी गुणवत्ता जब से हम हैं तब से सर्वाधिक। अभी आप कोई भी नोट्स किसी भी कोर्स का उठा लोगे तो सबसे अच्छी आपको मिलेगी। हालांकि मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, वो आप खुद देखोगे तो आप जान जाओगे, सत्य असत्य का आप यहाँ पे पहचान कर लोगे। प्रैक्टिस टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन हम लोग आपको देंगे कि जैसे जैसे आपकी कोर्स होती जाएगी चैप्टर वाइज आपको उस पर प्रैक्टिस कराते जाएंगे, कैसे परीक्षा में पूछे गए हैं पूर्व में और कैसे पूछे जाने हैं वो तमाम प्रश्न। और इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं कि जितने आपको एमसीक्यूज और टेस्ट करवा दिए जाएंगे आपका पेपर जो होगा वो 90-95% कहीं ना कहीं उसी से मिलता जुलता होगा। इस बात की भी गारंटी मैं हमेशा लेता हूं और एक बार पुनः आपके सामने फिर से लूंगा। सभी टेस्ट की व्याख्यात्मक हल की पुस्तिका तो आपको दी ही जाएगी, इसके साथ ही विषयवार एवं संपूर्ण सिलेबस हेतु रणनीति। और सबसे जो स्पेशल फीचर है टीम परीक्षा प्लस की वो ये है कि यहाँ पे टीम परीक्षा प्लस प्रत्येक बच्चे से कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम मीटिंग या फिर आपका गूगल मीट के थ्रू जुड़ती है हर शनिवार, हर रविवार को या फिर सप्ताह में कम से कम 3 या 4 दिन ऐसा एक सेशन रखा जाएगा जहां पे जूम मीटिंग के थ्रू आपकी बहुत जबरदस्त रणनीति यहां पे बनाई जाएगी। बहुत जबरदस्त क्या कहना है, क्या कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कितना आपका हो गया, क्या आपके स्कोर आ रहे हैं, क्या आपकी कमियां हैं, कब कितना समय मैनेज करना है, किस चीजों में कितना समय देना है, कौन सा पोर्शन ज्यादा पढ़ना है, ये तमाम चीजें हम और आप आमने सामने बैठ के एकदम ऑफलाइन जैसा माहौल बना के यहाँ पे इस चीज को आगे लेके चलेंगे। तो ये आपके पूरे बैच की विशेषता रही है। आप टीचर के बारे में जान लिए, बैच के बारे में जान लिए, प्राइस तो पूरा ऐसा बोल सकते हो कि आश्चर्य से भरा होता है। सभी लोग यही बोलते हैं कि सर आप अपना खर्चा कैसे निकालते हो, लेकिन मैं बार बार ये बोलता हूं मुझे केवल बच्चों की सफलता से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, बाकी सब ऊपर वाला देखता है। इसको किसी अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया मैं पहले बता देता हूं कि आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है ना, परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। परीक्षा प्लस ऐप कैसे इंस्टॉल होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। हाँ, अगर आप गूगल पे जाओगे और गूगल पे आप प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है परीक्षा प्लस, ठीक है, परीक्षा प्लस आप सर्च करेंगे तो आपका वहां पे आ जाएगा ये, मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ ऐसा सिंबल आपका होगा लोगो, चलिए अगर आप उसे करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है, आप ऐप भी देख सकते हो यहां पे, या फिर आप सीधा प्ले स्टोर पे जाइए परीक्षा प्लस डालिए और आपको वहां पे मिल जाएगा। अभी कुछ वेबसाइट में शायद इशू आ रहा है इस कारण से ये चल नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको आगे की चीज प्रक्रिया बता देता हूं। यहां पे मैं बोर्ड पे आपको लिख देता हूं कि कैसे आपको यहां पे लेना है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे और आपको टाइप क्या करना है, परीक्षा प्लस PARIKSHA PLUS, या फिर आपको कोई समस्या होती है तो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे आप 9450060007 या 9129697080 पे कॉल करके यहाँ पे चीजों को आप कर सकते हो। कौन कौन से विषय चला रहे हैं, ये TJT इंग्लिश का विषय है, यहाँ पे TJT हिंदी का विषय है और इसमें आप पोस्ट भी देख सकते हो, 511 पुरुष वर्ग में, महिला में 46, ऐसे ही आपका 509 48, ऐसे ही आपका TJT मैथ्स में 508 और 25, ऐसे ही आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स ये साइंस संवर्ग का है, आपका TJT हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस मिला के ये आपका SST है। प्राइस आपकी 899 इंडिविजुअल सब्जेक्ट का है, आप किसी से भी जुड़ सकते हो। फिर आपके PGT के विषय हैं, जो आपके TJT के विषय हैं वही आपके लगभग PGT के विषय हैं। तो उम्मीद है कि आप टीम परीक्षा प्लस को अपने चयन हेतु एक मौका जरूर दोगे और टीम परीक्षा प्लस पूरे दृढ़ संकल्प के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आपके साथ खड़ा है। और
तमाम चीजें देखिए, तैयारी में केवल आपका पढ़ना ही नहीं होता है, तमाम रणनीति भी होती है, तमाम प्रक्रियाएं भी होती है, उन सब के साथ टीम परीक्षा प्लस आपके साथ जुड़ा है। चैनल को परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बैस से एक बार जुड़िए, हमें सेवा का मौका जरूर दीजिए। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का।